माता मन से, बहिनी मन से, हम नौजवान साथी मन से, पहले दोनों हाथ ऊपर ऐसे बबला बाबा जी के दरबार में हम सब बैठे हैं जी, है नी बिल्कुल। जेकर हाथ ऊपर नहीं है मतलब समझ जाओ कोई श्रद्धा से नहीं बैठे, सबके हाथ ऊपर जिला जिला भगवान दो ठन हाथ है, बहुदार के मंदिर में बैठे थे पांव पर दादा हो तो हां हां जिला जिला दो ठन ईमानदारी साथ है दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं ठीक है। लड़का पाहत के कर छूट नहीं काबर दोनों हाथ लकन ऊपर कर दे सब लेकर लोढ़ा से ढोल दी ताना मल कबे पायरा बड़े जान ले के नीला दी ढोल चलो चलो दोनों हाथ ऊपर पीछे वाले हाथ उठा ले जो आधा उठाएगा आधा पाएगा पूरा उठाएगा पूरा पाएगा सबसे ज्यादा हाथ ऊपर उठाएगा सबसे पहले ऊपर जाएगा वो वाला ऊपर नहीं काम धाम में प्रमोशन हुई बहनी अमन काबर ऊपर लिख बोल बकला बाबा जी के महाराज के दरबार में बैठे हैं ठीक है प्रेम से बोलो बकला बाबा की जय शीतला मैया की जय महामाया मैया की जय अपन अपन को सैया की जय इला चेक कराते हैं नोनी मल्ला जेकर बर बिहानी तो मन ठीक है हो ही समय के अनुसार चलो बाबा जी के दरबार में जाना है मीठी मीठी ताली के साथ तोर देवाल मदाई जग जो संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। प्रेम से बोलिए बकला महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक चालू कर दिस, किशनपुर में निकलीस, मुनगा शहर में निकलीस, तुम्हारे भोरिंग में तार रेडी निकले छे हो है। रेडी है वो मतलब शंकर भगवान के पुजारी मन और भक्त मन है। जैसे भोलेनाथ जी के पूजा पाठ ज्यादा करीन वैसे भगवान भोलेनाथ घलो प्रसन्न हो गए। आओ ये अंतिम कहना चाहिए श्रावण मास के है नी सप्ताह है, एक बाद रक्षाबंधन पर वाही पूर्णिमा के बाद फिर एक साल इंतजार करे एक बाद सावन महीना में ही दिन फिर हम सब ला ये महोत्सव देखे मिले। आप सब ला बकला महोत्सव के बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और आज से कार्यक्रम के शुभारंभ है, कल दुकालू यादव जी के कार्यक्रम है, अब आज सुकालू यादव के सुकालू यादव बैठे काली दुकालू यादव आज सुकालू यादव जी। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। तो भैया कथा ऐसे है आप मन के बीच में भोलेनाथ जी के कथा है नहीं भाई, काबर ओकरे पर्व चला था चलन भोलेनाथ जी के सुंदर बिहाव के प्रसंग में। काबर जैसे महोत्सव है वैसने कथा रथे ना तब आनंद आता जगह ते हम दूसरा कथल निकाल देवे ना तो वो नहीं जम पाए, काबर की शंकर भगवान के स्थल है नहीं भाई। ऐसे सभी कथा अपन जगह महत्व रखते लेकिन भोलेनाथ जी के पर्व है तो ओकरे कथा हो जाए है नहीं। पावन कथा प्रसंग श्री विवाह के आओ हम सब चलन भोलेनाथ जी के कैलाश पर्वत में जी हाँ देवता मल्ला भोलेनाथ जी महाराज आज्ञा दे दीस। जाओ अपन अपन घोड़ा गाड़ी वाहन वाहन सब ला सजाओ है नहीं भाई, तैयारी करो सब ला बरतिया जाए सब ला नेवता दे दो। आओ भोरिंग से लेकर के सब ला होती हो अछोला तक कलाकार मन सब आही बर बिहाव के ही चिन्ह जिए दे है नहीं। बर बिहाव विशेष समय में होते आओ समय आते तबे होते ते कतको जो जी आतरा कतको ते हैं कोच कतरा दे नोनी पैसा होए को झरनी लान बेटी लान तोर पाँ पर दे आ दे। सोचा थे वहु दो धुनी दो की एत बेंजो वाला दे दे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ले सोचन दे एक आध घंटा सोचन दे तहंदी कैसे कर रहे। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुभद करही अक्षरा गान। बहुत भगवान भोलेनाथ जी की आज्ञा पा करके सब देवता मन अपन अपन वाहन ला सजा जी है। कोनो हाथी सजाते कोनो घोड़ा सजाते कोनो मयूर ला सजाते है नहीं भाई, कोनो हंस ला सजाते कोन गरुड़ ला सजाते सब देवता मन के अपन अपन है ना। तो आओ बहुत भगवान भोलेनाथ के बरतिया जाना है, लटपट माने हैं भोलेनाथ जी है। लेकिन शंकर भगवान ला सजाने वाला तैयार करने वाला कौन है नहीं गा। बरतिया जवैया मन अक्सर देखो भोरिंग में गलो बरतिया जात हुई था। एक चीज बताओ जी दुल्हा ले पहली कौन तैयार होते बरतिया जवैया मन ना माँ कसम गाड़ी जगह गाड़ी देते रहते कब कभी निकल लिया वो कावर ऊपर क्रीम निकला थे है नी क्रीम लगा के बेचारा पूरा गाड़ी सजावट कर दे ये ढेढ़ा मन घलो कैसे करते जी जल्दी निकालो ना बराती ल। दुल्हा से पहली ओकर संगवारी मन है जे बराती जवैया रहते ते मन तैयार हो जाते लेकिन दुल्हा हा लेट में जाते। शंकर भगवान है कते हो गए जी चलो रेंखन ऐसे की सोकर चेला मन कते घन मन कते भोले ना काय हो गए ऐसे कैसे जाएंगे बराती सोचे अलवा जलवा नहीं जाना है आज ते हल दुल्हा राजा बना थस तो कैसे करना है हा मन तोर तैयारी करबो नेंग माचे है अभी सरी नेंग एक ठन नेंग नहीं हो काय नेंग का थोरे हमन भोरिंग गे रहे कथी कर रहे जी भोरिंग बोरिंग सुने रहे हम भोरिंग कथी मेरे महासमुंद जिला के सबसे बड़े गांव भोरिंग अच्छा हाँ
वहां मन जबरदस्त बर बिहाव करते गो ऐसे बताओ ना जी कैसे बर बिहाव करते तो कर चेला मन श्रृंगी चिरिंगी बिंगी चिंगी काय कहते नंदी एमन सब बताते जी है नी पहली दिन कहा जाते भोलेनाथ पहली दिन चुलमाटी जाते तो चुलमाटी जाते का गाना गाते कि गाना गाते ना चुलमाटी जाते का गाना गाते मैं आप मतलब पूछूं भाई बीच बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के ये सब गीत मन बने हैं हर एक लेंग बर एक ठग गीत बने तो चलो चुलमाटी जाते का गीत गाते तेला चेला मन गा के बताते भोलेनाथ जी के तैयार हो झोंके लागू ये तोला माटी कोड़े ला तोला माटी कोड़े ला नैया वे मीठा रे धीरे धीरे अपन पे चालती धीरे धीरे अपन पे चालती धीरे धीरे तोला साबर धने ला तोला साबर धने ला नैया वे मीठा रे धीरे धीरे अपन पे चालती धीरे 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 अपन पे चालती धीरे धीरे कर भगवान कहते उसने गाना गाते भोरिंग के मन जी हां तब मैं छा चलती रे कहते तागा काबर कहते मैं छा चलती रे बर बहुत पहली बात है भोलेनाथ भोरिंग में रही से जन बाबा खतरनाक में छा वाला जाने वो हम नहीं जानन तहु मन नहीं जानो बहुत पहली बात है अंग्रेज जमाना के तब मैं छा वाला बाबा की के पूरा गांव भर में ओकर प्रशंसा रहा है तीर तार के गांव मन घलो देखे आए मनखे मन में छा वाला डोकरा की के ओकर नाती टूरा एक दिन का करिस डोकरा के रिस नहाए बर तरिया ओकर नाती टूरा खुसर के ओकर कुरिया और कुरिया भितरी राखे रही से डोकरा हा सरसों के तेल अब एकर दिमाग लगाइस नाती टूरा अपन दिमाग लगाइस प्यूरा दिखते सरसों तेल हा ओला खाली कर दिस और वही डब्बा में पेट्रोल भर के रख दिस लकर धकर नहा गई डोकरा हा सामाजिक बैठकम जाना रही इसका जल्दी जल्दी भात बासी खाई मैं छम तेल ला लगाई और जल्दी इस बैठका में चिक 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 करात रहा है मेछा हा लगे है तेल अब बैठका सकला थे बीड़ी बांट थे जी जाना थोड़ी ले बाबा बीड़ी सियान हो बीड़ी ऐसे कहते डोकरा दू ठन बीड़ी धरी हमार पुरुष मन के भाई और माता बहनी मन मीटिंग सकला थे काय बांटते तेल में नहीं जानो काय बांटते हो ये मन जान दे नानोनी ये जो भीन एक कन मन जान देतिया ए पीढ़ी कन मन जान देत बहिनी मैं नी दो ये माली डीन आई खप खप ले निकाल ले था से एक चोता सब खाली हो जाते हम नी दन दे हमार गांव बात है भाई तोरे गांव बात नहीं अब बाबा मन सकलाते पुरुष मन तम बीड़ी बांट थे जी तो डोकरा दू ठन बीड़ी धर रहा है कन कान में खोची से ठन मुंह में गा अब माचिस मांगी दिस माचिस बारिश माचिस कुछ नहीं माचिस पसंग ले आगे धरे ओ भागो 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 डोकरक में छम आगे धर दाई भागो सब भागो पर पर ले जर गए बिरोनी तक जर गए एक रिश्ते कही थे मूछ नहीं तो कुछ नहीं ये मेछा गाना लगाते गा आओ का गाना गाते भोलेनाथ जी ला कैसे बताते ओकर चेला मन सिंगार करत करत आओ एक छोटे से भजन के साथ सम्मान राशि भेजे हैं प्रीतम साहू व पूरे परिवार के तरफ से साहू जी ला बहुत बहुत धन्यवाद सब परिवार ला बहुत बहुत धन्यवाद इन कांवर रुपया के श्रद्धा सुमन दे है एक बार जोरदार ताली प्रीतम भैया होकर समस्त परिवार ला बकला बाबा के आशीर्वाद मिलते रहे प्रेम से बोलो बकला बाबा की जय
प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ जी के गण मन ला तैयार करते हो, कर चेला मन तैयार करते हो, काबर कोनो नहीं है। भोलेनाथ जी के ना दीदी है ना भाटो है, और कोई रतीस ना आया तो आतीस का ढेड़हीन बनती ढेड़ बनती, तो कर चेला मन हाँ सब गे है पहुंचे यहूद गिरी बेंजो बजाए बा बेंजो बजाए ले गिरी से पेड़ बजाए पर वह आखिरी बैठे दोनों कोई बैठे वो सुकालू यादव ये है बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सब पहुंचे है भोलेनाथ जी के बराती, तब सब तैयार है, तैयार हो ही शंकर भगवान का तो तैयार हो गया बरतिया जाए बार दुल्हा डौका बाँचे है ओकर गनमन कथे भोलेनाथ नेंग लकरन रे भाई तुमन चुलमाटी मत जाओ जी अबड़ बेरा हो जाही आजे सब चीज हनी हो पाए तो कैसे करना है यार तुरंत शादी करना है बैलम बैठू जाहू एक कर रूप जब भोलेनाथ कम से कम तेल हरदी कैसे चढ़ाते भोरिंग के मन तेला सुन ले तेल हरदी चढ़ाते जी अच्छा कैसे गाना गागा तेल हरदी चढ़ाते तो तेल हरदी चढ़ते का गाना गाते झोंके लागो चलो एक तेल चढ़ी गे ओ दाई हरी अरे हरी अरे दाई हरी अरे हरी अरे भोलेनाथ जी महाराज के गाहू में गानल गई गया शंकर भगवान कहते तुमन तेल हरदी मत चढ़ाया तो क्या करना है एक काम करो मसान गड्ढा जाओ मसान गड्ढा ले राख ला जोर के लानो दू चुमड़ी अच्छा तो कैसे कर बेगा बोला लानो पहली यार तुमन की दौड़ा दौड़ा तीनों कर चेला चपाटी मन मसान गड्ढा दू चुमड़ी राख ला जोर के लानी
कैसे करी शंकर भगवान हत की गया। अब लानी तहन भोलेनाथ कथे एला चुप रो, आओ तेल हरदी मत चढ़ाओ एला चुप रो। ओ चप चप लागथे जी, तेल हरदी चढ़े कैसे लागथे? जे मन दुल्हा डौका बन गए ना ते मन जानते, दू दिन तीन दिन लिए लकड़ा है नवा या सही ताए जी। चप चप लागथे ढंग के और नहुआते तो वहूं परम छीत छीत के नहुआही ऐसे लागथे उतका बेर तरियम कूद देव कारे इसी ता। तो भैया शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। अतका यकन ते हैं नेंगला करवे तब तोर घर में वो लक्ष्मी आया ही फोकट में थोड़े आई ऐसे जी। जे मन बिहाव नहीं हुए ते मन हासा थे तोरो पारी आही गया सबके पारी आते। शंकर भगवान कहते ये तमाशा मोल नहीं करना है भाई, राख ला चुपरो। तो शंकर भगवान के चेला मन हा तैयार करते सिवही संभोगन करहि सिंगार, जटा मुकुट यही मोरु सवार। जटा ला मुकुट बना दिस है नी, सांप मन ला मोर बना दिस। ऐसे डोमी सांप मन ऐसे फस फस करत चारों दहन डोमी सांप सब डोमी सांप मन ऐसे करे रहू रे। इसे चेता दी शंकर भगवान, आओ सूत मत भूलाओ है नी। पिटपिटी सिटपिटी सब ला लपेट लुकटी के अहिराज महिराज सब मन चिकमिका थे नी, ढोड़िया मोड़िया अजगर मजगर सब ला लपेट दी। आओ असोड़िया लंबा रथ है तो ला बेल्ट बना दी है, ये असोड़िया है त्योति नहीं करती ते कहीं ये त्योति करे मतलब बोचकी। बोलो शंकर भगवान की जय। बेल्ट बन के बिचारा है नी, सब सांप डेरू चल गए बिछी कथे में कती जगह रहूं ऐसे की स्थान में लटका ली सोला है नी क्या। सी वही संभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट यही मौरु समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरी छाला। तन में राख लगाई जाए भाई, अब ये राख लगाए के पीछे कारण है का कारण है जन पूछते भोलेनाथ ला। भोलेनाथ जी ये राख लगाबर चुपर थो, अब दूसरा नहीं है कुछ पाउडर उडर चुपर लेते हो है नी, क्रीम रीम चुपर लेते हो। शंकर भगवान कहते ये ओरिजिनल चीज है, आओ राख। ये राख से बहुत अकन फायदा है। पहली राखे मांजे ना वो जाना थे बड़े दही जाना थे, राखे मांजे ना वो बर्तन ला। आजकल के नवा नवा बहु राख में मांज के विम बार है ना, विम बार एक बार में हो जाते है, हो जाते एक बार में चक ले नहीं हो वो बिना रगड़े कहीं हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जे। है ना वो बेचे पर साबुन तमाशा करते, पहली राखे में बर्तन मांजे, राख में ही बोला माटी राख का है। आजकल तो लेके मन जान हम छोटे से रहन तो जाना ना, वो माटी राख का है। माटी राख में छक छक ले। आजकल आगे भारत का नंबर वन डिटर्जेंट पाउडर घड़ी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। शंकर भगवान पहले विश्वास करो उसके बाद देखो शंकर भगवान कैसे विश्वास के फल देते। यहाँ उल्टा होते, भोलेनाथ जी कहते राख के बड़ा महत्व है रे, मंजन करबे ना राख में रे तो कोलगेट फैल है। आओ तो काय कहते सेंसोडाइन कहते तहु फैल है, हम सनातन जान है वो फैल है। राख में मंजन करके देख, ये बेचारा करते देख कतका जोरदार करता हाथ है दिखा देते। हाँ आपके दांतों का राज, क्या आपके पानी में नमक है? नहीं ना, आपके कोलगेट में नमक है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे होते गा तो शंकर भगवान राग के फायदा बताई एकर से दी चुपर थे राज। भोलेनाथ जी है काबर ये संसार में एक दिन का होना है राग, तोला होना है राग, मोला होना है राग, एक दिन सबला होना है राग। संत कवि पवन दीवान जी महाराज कहा है ए दुनिया में सबला राग होना है, लईका अभी होई नहीं कुर्ता कपड़ा बिसा के राग राखा था। चालू हो गए ना, लईका अभी होई नहीं कुर्ता कपड़ा बिसा के राग, ठीक ठाक रहेंगे लागी सो दे आगी बुगिल बचा के राग ना। वो लईका तीन बरन के खेती होती जात तो एक जगह बैठी कभी तो लईका नहीं बैठी। 5 साल के हो गए आनी बानी खवाक राख, 10 साल के हो गए झगड़ा लड़ाई बचा के राख,
20 साल के हो गए हट ले पर भी हाव करके रहा। मोबाइल के जमाना है, बिगड़त देरी नहीं लगे आजकल लड़का जन्म लेते हो मोबाइल में वो जानदार था चेटिंग करेगा जे चेटिंग करा थे वो सेटिंग बिल्कुल करी। बोलो सियावर रामचंद्र की भाई सेटिंग है तब चेटिंग ओरिजिनल बात। तब 20 साल के हो गए फट ले बर बिहाव करके राख, 40 साल के हो गए घर के सियान बना के राख, और 60 बरस के हो गए गोटानी लाठी पकड़ा कर, 80 बरस के हो गए कौवा की धवल बचा कर, और 100 बरस के हो गए पंचामृत किया कर, सगम अल सकेल के राख चल दिस बाबा चीतल बटना करा है नी चार जन को होकरा चीतम सुता करा आगिल धरा दे सब राखे राख तकाला राख। दिस इज माई क्वेश्चन ऐसे का चीज ला राख जे राख नहीं हो। तुलसीदास जी कहते राम नाम मनी दीप धरो जी ह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। राम के नाम ला राख जिला शंकर भगवान राख थे है नहीं? तो आओ एक भजन सुन सर। भजन के बाद हम सब भोलेनाथ जी के साथ में तैयारी हो गए हैं, तुरंत बराती निकाल वो ज्यादा लेट नहीं करन, बराती तुरंत निकलने वाला है। भोरिक के जतका भी हमार गांव के मनखे मन से निवेदन है जे जे मन ला बरतिया जाना है ते मन जल्दी आ जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। कहते मत ना कहते मत ना खवाए भोला मो मैं तोरे हो गे भोला कहीं मोरे हो गे ना कहते मत
बोले सबले सबले कर भगवान जय। हिमांशु और खिलावन तिलक आप दोनों भाई की ओर से सादर 10 रुपया के द्रव्यदान अर्पित है। एक बार जोरदार ताली बजा कर सम्मान करें। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। संगी संगी आदरणीय राम गोरिंग जी टेलर साहब जी खिलावन साहू जी की ओर से 101 रुपये भाव समर्पण राम रुपये में। जैसे पंचक पे घटे म सरी तनी दान देतन धन घट कहे दास के अन्न धन से आप चाहते घर भर जुग जुग जो लाभ भरी सुखद खोल मानस परिवार को जिन तोले लगे आशीष सफल यात्रा की कामना के संग भगवान बुद्ध भानुराज जी की आशा की बात की ओर से बगला महाराज जी की कही थी आशीर्वाद आप पूरे परिवार को मिले ऐसे शुभ आशीष के संग प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। जल्दी से सब देवता मन भोलेनाथ जी महाराज के बरतिया जाए पर आतुर और भोलेनाथ जी महाराज कहते चलो भाई लेट नहीं करन है नी। सब भोलेनाथ जी के दर्शन ला देख करके ऊपर सुंदरता ला देख करके आओ और सुंदरता कहना भोलेनाथ जी के वो सुंदरता है ऐसे सजे है भोलेनाथ जी महाराज पूरा शरीर में राख है मुंड के माला पहने हैं विकराल रूप भगवान विष्णु देखते ब्रह्मा जी ला कहते हे ब्रह्मा जी कैसे हो गए शंकर भगवान ला देख कैसे दिखे आज के दिन तो बढ़िया सुंदर है वो अच्छा दिखा समर मन सही आज सच में वहाँ भोले भंडारी दिखा थे भूतेश्वर नाथ की जय जय बोला भूतेश्वर नाथ की जय। भोलेनाथ जी के रूप ला देख करके विष्णु जी कहते ब्रह्मा जी ला विष्णु कहा यस बिहसी तब बोले सकल दिशिराज बिलग बिलग होई चलहुं सब निज निज सहित समाज। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ठीक है बेटा तो खिलेश बोला थे बड़े सेम लाता एक दिन में धोखा खा के रहे हो कहाँ खिलेश फोन में पता नहीं चले खिलेश है खिलेश्वरी की। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ये अद्भुत माया है क्या सब माया ताए जी मोह माया छोड़ के मन में आया है बकला बाबा छाया है नहीं। अब तू मन जग क्या जाना ते मन सब महान भक्त हो है जी आए रही ते मन प्रसादे खवैया है मिक्सचर खा कर प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की सबे भक्त है कैसे कर गए अपन अपन समय मानते है नहीं भाई। तो भोलेनाथ जी के बरतिया निकला थे अब कैसे ए हो बैला बचड़ के चले हे महादेव हिमांचल राज ए हो बैला बचल के चढ़ के चले हे गौरी करे बर बिहार ए हो बैला बचड़ के चले हे महादेव गौरी करे बर बिहार। मोबाइल धरे रहेगा थे प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। सब देवता मन अलग अलग चला थे भूत पिशाच मरी मसान चटिया मटिया सब होकर संग में भोलेनाथ जी के संग में भोलेनाथ नीरी सही से आओ शंकर भगवान है नाराज नहीं होएगा आओ ऐसे देवता है शंकर भगवान ला मनाना एकदम सरल भाई ता कम बजट में शंकर भगवान के सब चीज पूजा पाठ कर सकता से एकदम कम से कम बजट और दूसरा देवी देवता के सत्यनारायण के कथा करावे तत्काल आगे 500 के तो ऊपर पूरा पैकेट ला ले 500 सुपारी जब का है तेला 500 रुपया आओ लिस्ट होकर बादाऊ दी केरा मेरा से मेव है नी पंचामरी दूध दही सब ला लाना ते तो 1000 रुपया नहीं बाँचे ओकर बाद पंडित बैठी सुना ते 501 रुपया निश्चित ना लेते नहीं बता ओकर बाद प्रसाद बना रहे तो रेव तेव करके 2-3 हजार खर्चा होना छे कम से कम में सत्यनारायण भगवान के कथा हो गया और शंकर भगवान के पूजा पाठ में काय लागते कोई महंगा सामान नहीं लगे सिंपल
बेल पत्ता ले लान आ रेडी मिल जाते दरिया पार में रहते ना रहते बेल पत्ता हो गए बेल पतिया तोला चढ़ाऊं गंगा जल मा तोला नहाऊं दुकालू हमन सुकालू प्रेम से बोलो सियाल रामचंद्र की ता बेल पत्ता कोई महंगा मिलते वो बेल पत्ता वा नहीं मिले ना एक रुपया नहीं आए मतलब एक रुपया मतलब एक मतलब हुआ पैसा च नहीं लागे हो कर बार तागा धोवा चौर हो गए सोसाइटी चौर मिला थे वो चौर ला ले ले फोकट में मिला सोसाइटी चावल है अब कद का या कर 21 टन जत का तो गिने के मन है सही गो भाई खानवा वाला नहीं बहुत पैसा लागी इसका नहीं लागी चावल में पैसा नहीं लागे बेल पत्ता में पैसा नहीं लागे एक फूल आते जिला धतुरा के फूल का थे बोलो शंकर भगवान की पैसा लागते धतुरा के फूल में नहीं लागे फर भी आते सावला चढ़ा दे शंकर भगवान के पांव पर ले उतको नहीं कर सका था ते हाँ बेल पत्ता नहीं चढ़ा सका था धोवा चौर नहीं चढ़ा सका था एक लोटा जल सब समस्या का हल हर हर महादेव अब एक लोटा जल नहीं चढ़ा सका था तब कुआं कूद के मर जा नहीं गा खुद का पन नहीं कर सका था एक लोटा जल चढ़ाए भाई तब मैं इनके जन्म खेतता होते नहीं बता दागा शंकर भगवान एक लोटा जल में मान जाते भैया धन्य है भोलेनाथ जी महाराज यदि पार्वती उकरे से तित मनाई सो बोलो का गंगा जल चढ़ा चढ़ा के ऐनी अब भोलेनाथ जी महाराज ओकर पहली परीक्षा लेबर भेजरी से ऐसने अलवा जलवा पास नहीं हुए पार्वती है अंधेर तपस्या सप्त ऋषि मन ला भेजे ऐनी भाई एकर पहली बिहा मार है पहली सप्त ऋषि मन जा करके ओकर परीक्षा ली पार्वती ते अतेक तपस्या काकर बर करत हस नोनी ए नोनी तुमन नहीं जानोगा नहीं जानन वो काबर भी ए काबर सब तपस्या करत हस बिहाव बिहा कर बे काकर संग शंकर भगवान संग सप्त ऋषि मन कहते भोलेनाथ कर कुछ नहीं है जाबेत का सुख ला पावे ना घर है ना महल है कुछ नहीं है बार तारी बैठे रहे ठंडा में ना रुक तारी बैठे रहे कुछ घर द्वार कहीं नहीं है महल नहीं है और वो कल सुंदर सुंदर देवता भोरिंग में है यहाँ घूमत बंगाली कहीं के स्वर्ग लोक में है अच्छा सुंदर सुंदर देवता है वो पार्वती ते कैसे भोलेनाथ का पसंद कर डरे हस पार्वती कहते तुमन नहीं जानोगा तुमन बाहरी से होकर देखो बाहर के रूप ला लेकिन ओकर भीतरी के रूप ला तुमन नहीं देखे हो मैं शंकर भगवान के घर में जाऊं तो तीन ठन जबरदस्त फायदा है क्या फायदा है ध्यान से सुनो घर चल देते मन मत बताओ तुमन आपसी का आदमी बता दो ठीक है पहला फायदा बताई पार्वती है हे सप्त ऋषि हो शंकर भगवान के घर में जाहू ना तो मोला पानी भरे नहीं लागे कैसे शंकर भगवान के घर में का ट्यूबवेल खाना है नहीं नहीं देखे होगा हाँ शंकर भगवान के जटा से का निकला थे बाजत वो बक्सम बाजत नहीं सुना काय निकला थे हाँ गंगा मैया प्रेम से बोलो गंगाधर भगवान की जय कोई हरे गंगाधर कौन हरे गंगाधर गंगाधर ही शक्तिमान है आजकल के लड़के मन नहीं जाते हमारे जमाने में शक्ति मान ला जाना एक जन हीरो रहा है करकिर करकिर घूमे तुरंत भोरिंग करकिर करकिर घूमे तुरंत गाड़ा घाट करकिर करकिर घूमे तुरंत ये पुलिया जगह समुद्र पहली पहुंचे एक हाथ का वो देख ऐसी भी देखा रहा तुरंत शक्ति मार रही का आजकल के लड़का मन के तब बड़ा का हीरो मोटू पतलू जंगलू मंगलू मोगली ऐसे ऐसे हीरो कार्टून बना हमार मन के ओरिजिनल हीरो री शक्तिमान शक्तिमान हमन गाना गा चलो भाई एक शक्तिमान कौन है सबसे बड़े भोलेनाथ जी महाराज प्रेम से बोलो शंकर भगवान की पहला फायदा बताई पानी भरे नहीं लागे गंगा मैया निकला थे ओला जल में मतलब पानी भरे से बता मोटर चला थे दस और लाइन वाला नहीं हो ऑटो वाला नहीं हो वो ऑटोमेटिक है जाने वो दूसरा फायदा बताई कपड़ा लगता धोए नहीं लगे कैसे शंकर भगवान कोई ब्रांड के कपड़ा नहीं पहने हैं
ओरिजिनल ब्रांड पाघंबर पाघंबर बस लपटे रहते तो ओरिजिनल चीज है, बोला धोए वाली बातें नहीं है, धोए से मतलब खराब हुई सो पाघंबर जी एक ढंग के सुखाई पड़े वाले। शंकर भगवान कपड़ा नहीं पहने तो धोए के जरूरत ही नहीं है, कैसे है भोलेनाथ जी। जोगी जटिल या काम मन नगन या मंगल भेष, अस स्वामी यही कहा मिलही परिहस्त असिरेख। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसे है जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष, कपड़ा लगता धोए नहीं लगे। तीसरा फायदा सास ससुर के टेंशन नहीं, काबर ये सास सांस नहीं लेते और ससुर के सुर हला में रहते, वही तो सास ससुर का जे बहुत सांस नहीं लेन देते सांस ठीक ना वो बाहर ना मान ना वो अंडल नहीं अंडा का तो मछली नहीं मान ना वो अंडल नहीं मारे नहीं लगे मछली नहीं मान ना वो ये डोकरी मोलो सांस नहीं लेन दे हमार सांस है। अब चाह बन गया वो ससुर के सुर लामे चाह बन गया वो फूलमती के घाव चाह पीवेगा तो सुर हलामे ससुर क्षमा करो जे बहु हा माता पिता बरोबर सेवा करते ना वो माता पिता के पुण्य लपाते हैं, जो सास ससुर समझ के सेवा करते वो सास ससुर के पुण्य लपाते। बोलो सियावर रामचंद्र की आओ एक ठन भजन सुनथन और भजन के बाद कैसे सप्तरि सीमन पास करें है ना पार्वती अति तैयारी हो गए है बढ़िया भूत भगवान भोलेनाथ जी के ओकर रास्ता देखा थे भोलेनाथ जी के बरतिया जाते और कैसे जाते नाच ही गा वही गीत परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत बोलही बचन विचित्र विधि। प्यारा से भजन के बाद बरतिया पहुंच ही मस्त परिघनी करबो नाचबो आचबो नाश्ता करबो फिर एक प्लेट देख ले रहा जी बरतिया स्वागत पर प्लेट प्लेट में प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। मोर भोले बाबा के बरात जब ही आला निके लगना
डमरू वाला के बरा जवैया ला प्रेम शिवल बगला बाबा महाराज जय। सम्माननीय बड़े भैया और हमारे महासमुद चल के बहुत ही सुप्रसिद्ध बेंजो वादक हारमोनियम वादक और बहुत अकन कला में निपुण और जतका भी भोरिंग के युवा साथी मन के प्रेरणा स्रोत आदरणीय बड़े भैया श्री नारायण साहू जी और सपरिवार मिलकर के 101 रुपए श्रद्धा सुमन समर्पित करें। एक बार जोरदार ताली बजा करके आदरणीय साहू भैया के समस्त परिवार ला बहुत बहुत शुभकामना। बकला बाबा के आप परिवार के ऊपर आपके ऊपर हमेशा माया दुलार बरसते रहे, भक्ति भाव में आप लगे रहो। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बरतिया जात है धीरे धीरे, अब पहली मर रेंगत जाए जी, एक कोई रेंगत जवैया बरतिया नहीं होकर हो नगर। आपके जमाना समय बदल थे, दूल्हा डौका घलो रेंगत जाए कैसे करबे, गाड़ी घोड़ा नहीं रहा है ना। ओकर बाद धीरे से ऐस पहला गाड़ी, पहला गाड़ी बहुत दिन के परंतु पहला गाड़ी का आविष्कार नहीं करे रही, तो रेंगत तो जही आदमी है खुद रेंगत जा बोलबम वाला मन नहीं जाते। शंकर भगवान के बरतिया सब नाचत गावत जात है, देवता मन भले अपन अपन वाहन में चढ़े, पहली के बराती रेंगत जाए ओकर बाद पहला गाड़ी में जाए, पहला गाड़ी के बाद काय है इसमें साइकिल, साइकिल साइकिल में दूल्हा डौका लेके एक बहुत जन देखे वही और नावा नावा लड़के मनी देखे वही, यह झालर वाला मुकुट रहा है और दूल्हा डौका हला साइकिल में चढ़ा लेके परिघात ओदाई जाना तो उठ के जात जान रही जवैया भगवान चप्पल छोड़ देते। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की तू मन मार जा भाई, तू हाथ पांच जोड़ा था टिकामन टिक के जाओ। साइकिल के बाद इस मोटरसाइकिल रात दूध के जमाना जी, रात दूध पे लेगी सोकर बाद इस बताऊं जी ओकर बाद का है सो ही कहूंगा ट्रैक्टर दूल्हा डौकल ट्रैक्टर में लेके भैया ट्रैक्टर में बराती जाए ट्रैक्टर में दूल्हा डौका जाए, ऐसे समय बदलत 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 आज दूल्हा डौका स्पेशल कार में जाते एसी वाला कार है नहीं भाई। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। तो भोलेनाथ जी के बरतिया पहुंच गए कहां हिमांचल राज में, और जैसे बराती पहुंची जोरदार स्वागत हो भव्य हो विशेष स्वागत में सब बजनियम बजनियम मना के सब शंकर भगवान के जय जयकार लगा थे, सब भोलेनाथ जी के सुंदर बाराती के आनंद ले थे, सब नाचत कूदत थे। अब बाराती पहुंचते ना देखन विशेष लेंगे फटाका फोर भोरिंग के मन गलो फोरिस है ना, कैलाश के मन गलो फोरिस शंकर भगवान के बरतिया मन फटाका फोरना बाजा बजाना एकर से पता चलते बाराती है आगे। एक जन लड़का उसने बरतिया के रहेगा भैया हो और नान चुन लड़का रहा है नहीं, वो लड़का है फटाका लुका धर रहा है अत एक बड़ाटा बमला बराती जाऊँ तान फोर हो रही इसी की मस्त बोला सेके रहा है एकदम सेक के धर रहा है। गीस बरतिया पहुंची तो लड़का मन जब भी फटाका फोड़ते ना आधा बाती ल नीच दे रहे से आधा नीचे रहते आधा बाचे रहते आगे धरे थी फटाका में आधा निछा रही थे धीरे 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 सुर 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 धरत एक झंडोकरी है इसी कहा और वही रास्ता में जे रास्ता में फटाका मांगी धरा रही लड़का मन है ती रास्ता में डोकरी याद रहा 80 साल के डोकरी दई थर 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 दूल्हा डबल देख अब लड़का मन देख दर इनका यहाँ ये डोकरी फटाका रहा नाथ रे मर मुरा जाई एक तो ऐसे भी एक्सपायरी डेट आगे चिल्लाओ रे की लड़का मन चिल्लाइन जी और टोकरी बम है टोकरी रहा थे भाई दी रहा नहीं सुने आओ चिल्लाइन लड़का मन टोकरी बम है काय का थोरे तुरा हो इसे की तीर में आगे और फटाका जगह खड़े हो गए टोकरी है देखा तो नहीं है फटाका टोकरी बम है
लड़का मन के आवाज सुनी टोकरी और ताकत है जवानी में रहे बेटा अभी कम है कम है ऐसे फटाका फूटी की गुड़िया इसी टोकरी रैकेट बरोबर लड़का मन कहते सही में टोकरी बम है रे ऐसे है गा तो ये सब मजा आते जी बरतिया में और परघनिक बेरा और ज्यादा मजा आते बजनिया मन इससे मजा आते गोल लमा लमा के हल्का से ले रहते ते मन जोर से बजाते आओ उपकरण पर जरूरी छे बजनिया मन मरते हल्का फुल्का नहीं करे ना तो मन सोचे बजा दी देते वाला अब बजा ही फिर हल्का फुल्का हो गए कब को घाम रहा है नांगिन वाला न चाहिए एक जन आ गए बजाओ रे काका ऐसे कहियो चोर तार बजाते तार मन कैसे अरे नदिया तीर के बटवा बाजी पटपट पटपट करते रे नदिया तीर के बटवा बाजी पटपट पटपट करते रे आए हे बलिया प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय मस्त सब नाचा थे गावा थे लेकिन भोलेनाथ जी के रूप ला देख के लड़का मन डरावा थे घर में जाकर अपन महतारी बतावा थे दाई वो बड़ विचित्र दुल्हा डौकाया है आज तक नहीं देखे हैं उसने सांप डेढ़ पहने है भभूत लगा है भूत पिशाच मन नाचा थे सिरे अरे मत जाओ बेटा बाबा हो ही रे लेक जही जा आओ उई दिन महतारी मन डरवा एक चालू करी मत जाबे बाबा के बाबा बोला कथे बाबा हमारे बकला बाबा है जी है नहीं भाई तो भोलेनाथ जी कोई लडरवाए बर नहीं आए भैया वो आज अपन वास्तविक रूप ला दिखा थे और कैसे दिखा थे आओ एक भजन के बाद प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय लखन से रामचंद्र की जय प्रेम से बोलो बकला बाबा महाराज की जय गाले रे बरातिया पहुंच गए अब बराती पहुंची देरी लिए अब भोलेनाथ जी महाराज के सुंदर परघनी हो गए मड़वा तरी बैठी माता पार्वती ला सुंदर तैयार करके बिहाव मंडप पे लानी बढ़िया ब्रह्मदेव जो ब्रह्मा जी है ते ब्राह्मण बन करके पुरोहित बन करके सुंदर दोनों को विवाह संपन्न करते ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरे काक्षाय मंगलाय तनो हरि हरि मास तो एक रुपया चढ़ाओ प्रेम से बोलो गौरी शंकर भगवान की जय दुनिया ला देने वाला कौन है भोलेनाथ जी महाराज सबले बड़े दानी औघट दानी बाबा जी ला कहे जाते ऐनी ऐसे भोलेनाथ जी महाराज संसार ला दे देते भैया अपन जगह कुछ नहीं रखे हो ऐनी अपन हा वीरानम बसते कहते संसार में सबसे बड़े धनवान भोलेनाथ हरे और सबसे बड़े दानवान भी भोलेनाथ जी हरे का चीज नहीं है भोलेनाथ के पास है लेकिन अपन पास कुछ नहीं रखे सब लदे देते और अपन है के जन्मस्थ ध्यान करत बैठे रहते ऐसे भूत भगवान भोलेनाथ जी की कथा आओ समय संकेत करते समय अनुसार आप लोग कल भी कार्यक्रम संचालित करना है और बढ़िया सुंदर कार्यक्रम के बहुत बहुत बधाई देवो तमाम हमार मोनू भाई नारायण दिया जटका हमार भाई मन है सब विशेष करके सबो समिति ला सब युवा साथी मन है आज बकला महोत्सव ला अनवरत हर प्रतिवर्ष और ये भविष्य में बहुत बड़े महोत्सव के रूप में जैसे सिरपुर महोत्सव अभी हो थे वैसे ही एक मान्यता हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे प्रचारित हो थे एक लिए आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामना आप सबके ये कार्यालय में प्रणाम करत हो ऐसे ही भविष्य में आप सब महोत्सव आगे बढ़ाओ अपन सहयोग प्रदान करो और जोड़े के प्रयास करो समस्त आस पास के गाँव लाओ बहुत अच्छा सुंदर से कार्यक्रम आयोजित हो एक लिए श्रद्धा के फुल मानस परिवार के हमार तमाम कलाकार मन की तरफ से आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामना आइएगा एक और भोलेनाथ जी के भजन हो जाए
और भोलेनाथ जी के भजन के बाद फिर आरती संध्या आरती के बाद कार्यक्रम विराम करना है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो लौने बाबा Thank you.
बोलो बकला बाबा की जय। जी आइएगा समिति के हमारे सक्रिय सदस्य और हमारे जाने माने संगीतकार, हमारे महासमुंद पूरे हमारे महासमुंद ही नहीं हमारे छत्तीसगढ़ के भाई मोनू साहू जी के द्वारा एक और फरमाइश बाबा जी के चरणों में और जेला जेला नाचना है। हमारे युवा साथी मन से निवेदन है भाई, आप कोचकेल मत लागे, अपन मन से नाचो ना यार, बढ़िया से आओ। सबसे निवेदन भोलेनाथ जी के हम दरबार में आए हैं, है नहीं भाई, तो पर शरमाना नहीं है, लजाना नहीं है, भोलेनाथ जी के नाम से नाचना। चलिएगा एक प्यारा सा भजन और आपके बीच में मोरे भोला के हो, क्या बात है, महादेवा के हो, जय हो, बजते नगारा बबकला बाबा के हो, महादेवा के हो,
शंकर भगवान की जय। बकला बाबा की जय। लखन सियाराम चंद्र की जय। बहुत बहुत आभार धन्यवाद समस्त राम सोरी राम जो प्यार किया बहुत बहुत आप सबके भाव आदरणीय बड़े भैया श्री रोहित कुमार साहू जी पार्वती माता के टिकावन में 30 रुपया समर्पित करें। एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें। धन्य होकर जीवन पर। और हम सब बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करत हैं समस्त आयोजक समिति और बगला महोत्सव के जतक भी कार्यकर्ता है और समस्त युवा साथी मन। चलो एक और भजन के फरमाइश हो भोलेनाथ जी के। आज सावन महोत्सव में ये सप्ताह कहना चाहिए अंतिम सोमवार मना था। आवाज बहुत भीड़ है और हर देवाला में भीड़ है। भोलेनाथ जी के ऊपर सब जल चढ़ाते हैं और हम भी यहाँ बकला बाबा के चरण में अपन भक्ति रूपी जल चढ़ाते हैं। चलिएगा एक प्यारा से भजन आप सबके निवेदन में। प्रेम से बोलो बकला बाबा की जय। हरे हरे महादेव। जब हर 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 भोला हो गुरु महादेवा। जब हर 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 भोला I'm